जय जयकार करते हुए चले, जय जयकार जय। आंटी जी कौन सी जगह है प्लेन्स में? हम लोग हल्द्वानी। हल्द्वानी में है। जय बोला तेरे चौसिंगा खाडू तेरी छतोई रिंगा लाखी जय। तो इतनी लंबी लंबी कतार के साथ निकल गए हैं मेठा गांव से पिंडर नदी के लिए। दिल्ली से आप भी? दिल्ली वाले? सब दिल्ली वाले। देहरादून से? कौन सी जगह? आराम से, आराम से। ये कारण है प्लेन्स में रहने का। तो चले दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते बेला का एवरीवन, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। मॉर्निंग के 8:30 का ये टाइम है और अभी हम निकल रहे हैं भैया गंगा स्नान के लिए, क्योंकि अब जो कौतिक है, ये जो पांडव नृत्य है, ये कल समाप्त होने वाला है। यानी कि कुरुक्षेत्र जो लड़ाई होगी वो कल होने को जारी है, और आज हम जाएंगे पहले तो गंगा स्नान के लिए। यानी कि पिंडर नदी जो आती है अपने बागेश्वर, खाती, सुंदरडुंगा और पिंडारी ग्लेशियर से, उस नदी में हम स्नान के लिए जाएंगे। दादी जी नमस्कार, क्या ले जा रहे भगवान जी को चढ़ाने के लिए? फूल और फूल ले जा रहे हैं, इसको मुंगरी बोलते हैं। मुंगरी यानी कि मक्का? मक्का। तो सामने चौक है और चौक से सभी पांचों यानी कि सभी डंगरिया, डंगरिया यानी कि जिनमें देवता अवतार होता है जिनके शरीर में, उनको पांचवा बोला जाता है यहाँ पे, और अपने इधर डंगरिया बोला जाता है। तो सभी लोग जाने लग गए हैं तैयारी के साथ, पूरी पांडव परिवार, हनुमान जी साथ में है और बाजा गाजा वाली टीम, कई लोग निकलने लग गए हैं पिंडर नदी के लिए। आशा कारण आपूक घर राम जी को द्वापर में। तो इतनी लंबी लंबी कतार के साथ निकल गए हैं मेठा गांव से पिंडर नदी के लिए, क्योंकि आज वहां पे पांडु राजा के भैया श्राद्ध होने वाले हैं, और सभी डंगरों के साथ पूरी पांडव फैमिली के साथ निकल रहे हैं पूरे गांव वाले। जय जयकार करते हुए चले, जय जयकार जय जय जय। पूरे उत्तराखंड में आवाज जानी चाहिए जय जय। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, जय जयकार करते हुए चले। तो जय जयकार करते हुए अभी हम निकल रहे हैं पिंडर नदी के लिए, और यहाँ पे एक गढ़वाली भजन करते हुए निकलेंगे, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? नंदा ऊंचा कैलाश की जय, जय बोला तेरु चौसिंगा खाडू तेरी छतोली रिंगाला की जय, जय बोला नंदा ऊंचा कैलाश की जय, जय बोला तेरु चौसिंगा खाडू तेरी छतोई रिंगाला की जय, जय बोला जय बोले जय भगवती नंदा तिरछतोई रिंगाला की जय, तेरी छतोईया खाडू ये मौत के पे तू बन के धड़ाम हो जाएगी तब जय हो जाए। तो यहाँ पे ना रास्ता बहुत फिसलन हो रही है यहाँ पे एक साइड से, तो सभी ब्लॉगर से भाई निवेदन है, जब भी आप पहाड़ों में ब्लॉग बनाते हैं तो भाई रास्ता भी देखते चले, ये ना कि कैमरा ही कंटिन्यू देख रहे हैं। हाँ ये विशेष ध्यान दें, है ना, कहीं खुट्टी रोड ही जाएगी कहीं। हाँ तो अभी एक धारे में पहुंचे हैं और धारे का ठंड पानी पीते हैं पहले तो मेठा गाँव से नीचे एक और गाँव पड़ता है, तो मेरे अर्थों की जो टीम पहुंची है अभी किमनी गाँव में पहुंची है। तो फिर से हम बढ़ने लग गए हैं, लेकिन इस रास्ते में भैया ट्रैफिक बहुत है, बहुत लंबी लंबी कतार है आगे से देख सकते हैं। तो इतनी भीड़ के साथ आपको इन पहाड़ी रास्तों में चलने के लिए ना बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वैसे भैया हम बचपन से इन पहाड़ों में और इन रास्तों में चले हैं, तो हम भैया कैमरे को फेस भी करना है और रास्ते को भी देखना है, ऐसे को चलना हो रहा। इस टाइम पर बरसात के टाइम पर तो ना रास्ते बहुत ज़्यादा इसमें फिसलाव रहती है, तो ध्यान से देखना पड़ रहा है। और जोर से जय। हिमवंत देश वाला तिरजुगी नारे, देव तो मा देव भुला तिरजुगी नारे, देश वाला तिरजुगी नारे,
देव तुमा देव ठुला तिरजुगी नारे, बोला हिमवंत देश वाला तिरजुगी नारे, देव तुमा देव ठुला तिरजुगी नारे। गाओ गाओ गाओ, पीछे को नहीं गा रहे कोई। गाओ आंटी, गाओ गाओ गाओ। वो डालता है ना, बाबा देश वाला तिरजुगी नारे, देव तुमा देव वाला तिरजुगी नारे, नारे नारे। जय हो जय सती तिरजुगी नारे, बोला हिमवंत देश वाला तिरजुगी नारे, देव तुमा देव वाला तिरजुगी नारे। जय हो। कोई दिल्ली से आ रहे हैं और उनकी खुट्टी रोड गई। जो दिल्ली से आए हैं, जो प्लेन से चल रहे इस रास्ते में, उनकी क्या खुट्टी रड़ रही? खुट्टी रोड गए, मेरी खुट्टी रोड गए। सीरियसली रड़े की खुट्टियां बहुत फिसलने आ गई। यूं दीवानों मासा या भाई, हमेशा नहीं होनी भाई, भाई होगी वो भेटा या भाई, बिचारा बचूरा फिर होली भेटा घाटा, जसा करी जोराया। तो आप इस टाइम पर देख सकते हैं भाई, एक पहाड़ी से हम नीचे उतर रहे हैं और एक और गांव लग गया है। लगभग मेठा से उस नदी तक पहुंचने के लिए हमको लगभग दो तीन गांव मिले। बीच में किमनी गांव था और एक और गांव सामने है। अंकल जी, कौन सा गांव है ये? काखड़ा। ये काखड़ा गांव है। तो इस पहाड़ से जब हम नीचे को उतर रहे हैं और इसमें पता चल रहा कि कितने लोग प्लेन्स में रहते हैं और कितने लोग ठेठ पहाड़ी हैं। प्लेन्स में फंस गए हैं तो हमारे पास की बात। बिल्कुल। आंटी जी, कौन सी जगह है प्लेन्स में? हम लोग हल्द्वानी। हल्द्वानी में है? यस। हल्द्वानी UK04 से, देहरादून से। तो प्लेन्स वालों को अनकम्फर्ट लग रहा है इसमें आना, और जो ठेठ पहाड़ी है उनको नॉर्मली लग रहा है, नॉर्मली। आंटी जी, आप भी प्लेन्स में रहते हैं? अच्छा, दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आप भी? दिल्ली वाले? सब दिल्ली वाले। आपको तो इसमें अनकम्फर्ट लगेगा? नहीं नहीं, कंफर्टेबल हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। चलो देखते हैं और कितने लोग ठेठ पहाड़ी हैं, क्योंकि नॉर्मली लग रहा है जितने भी लोग इससे पहले चल रहे हैं और दिल्ली वाले हैं अभी आराम से। बाकी भाई जी सब पहाड़ी है, पहाड़ी। चलो यहाँ भी पता करते हैं, आंटी लोग पहाड़ में रहते हैं या प्लेन्स? प्लेन में रहते हैं। कौन सी जगह? आराम से, आराम से। ये कारण है प्लेन्स में रहने का। लगी तो नहीं चोट आंटी जी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब तुम्हारे वीडियो तुम्हारे मतलब सब्सक्राइबर बन जाएंगे। वो सर मेरे ब्लॉग देखते हैं बहुत पहले से, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। भल का है। तो आंटी जी से पूछते हैं, बचपना तो यही गुजरा होगा ना, इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं पगडंडियों में? अच्छा, क्या क्या काम करते थे बचपन के दिनों में? जैसे बांध लाते थे और घास लाते थे, गोबर निकालना, गोबर ढोलना खेतों में। अच्छा, पेड़ों में। और त्योहारों में जैसे नृत्य क्या क्या होते थे? झोड़ा चांचरी होते ना, झोड़ा लगा। तो भी आप प्लेन से आ रहे हैं यानी कि देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली से आ रहे हैं? मेला लगता है इधर, तो त्योहारों में लड़कियों को बुलाया जाता है। बिल्कुल, ध्यानियों के तौर पे। तो आप ध्यानिया इस गांव के? ध्यानिया। अच्छा अच्छा, ध्यानी बेटियां। और रास्ते में जितने भी धारे मिल रहे ना, कोई मिस नहीं कर रहा भाई इस पानी को, इस जल को। पहले सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? हम साइबराबाद। अच्छा, यूपी से आ रहे हैं? यूपी से, गढ़वाल। यूपी से, गढ़वाल। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। मेला ये फर्स्ट टाइम है आपका? अच्छा, तो ब्लॉग देखते हैं आप। थैंक यू। हो देना हो या, हाँ देना हो या, मेरा सिंह नाग राजा। देना हो या, हो देना हो या, हो देना हो या, मेरा मोर का देना हो या, हो देना हो या, मेरा बागी बागी बाना देना हो या। जय हो। सामने से है पिंडर नदी, यहीं पे होंगे पांडु राजा के साथ और ये पूरी पांडव परिवार के साथ बहुत सारे गांव वाले।
सामने से नदी और नीचे नदी में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग नदी में चल रहे हैं नीचे अपने चप्पल वगैरह जूते वगैरह, यहाँ पे सभी लोग अपने अपने चप्पल उतार रहे हैं, और चप्पल उतारने के बाद नीचे नदी में प्रवेश कर रहे हैं। नमस्ते। तो सामने है पिंडर नदी जिसका उद्गम स्थल है अपने बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर और सुंदरडुंगा ग्लेशियर। सभी पांडव और डंगरियों का स्नान और साथ में पांडु राजा के श्राद्ध हैं। तो नदी का जो जल स्तर है वो देख सकते हैं कितना तेज है, बहाव देख सकते हैं। करेंगे सभी, उसके बाद स्नान करके पांडव लोग। अच्छा, महाभारत में पांडु राजा के जो श्राद्ध हुए थे वो इसी नदी के किनारे हुए थे? हाँ, पिंडर नदी के किनारे। पिंडर नदी के। अच्छा, अभी हम श्राद्ध में आ रखे हैं। अच्छा, अब स्नान करके आगे फिर श्राद्ध करेंगे यहाँ पे। जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी चले गए हैं नदी में स्नान के लिए। बाकी यहाँ से आगे को आपको एक नए एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। तो आज का ये ब्लॉग रखते हैं यहीं पे। ब्लॉग कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना। और पांडव अपने पिताजी यानी कि पांडव राजा के श्राद्ध इसी नदी के किनारे करते हैं। तो कल के ब्लॉग में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आऊँगा, यानी कि कल एक नए दिन का वेट करें और नए ब्लॉग का। तो चले, बाय बाय। जय देवभूमि, जय पहाड़।